हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। इन प्रीवियस वीडियोस वी कंप्लीट द चैप्टर 2 एंड 3, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड प्लांट्स अराउंड अस। रिवीजन क्लास में हमने दोनों चैप्टर्स कर लिए थे विद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, टुडे वी आर सॉल्व वर्कशीट ऑफ चैप्टर 2 एंड 3। तो क्या करना है, मैं वर्कशीट आपको समझा दूंगी। पहले हम सेकेंड चैप्टर की वर्कशीट समझेंगे, जो कि जो क्वेश्चन है उसमें वर्कशीट के अंदर सारे किसके अंदर से पुटअप किए गए हैं, चैप्टर के अंदर से ही लिए गए हैं। ओके, और जो थर्ड चैप्टर है उसकी वर्कशीट के क्वेश्चंस भी किसमें से लिए गए हैं, चैप्टर के अंदर से ही छाटे गए हैं। ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चंस आपको समझा दूंगी, सॉल्व आपको करना है, और आंसर्स कहाँ भेजने, आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख के रखने। ओके, मैं जब आंसर शीट भेजूंगी तब आपको आंसर्स अपने चेक करने। ओके, तो पहले देखिए आप चैप्टर सेकंड अपना जो था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसकी वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट देखेंगे आप। वर्कशीट में पहला फर्स्ट क्वेश्चन है अपना चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन फर्स्ट, रिवर इज अ। अब रिवर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, रिवर को कौन सी नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है, मैन मेड, आर्टिफिशियल, नेचुरल या नन ऑफ देम। मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है या नन ऑफ देम है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है रिवर, उसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट, अ कार डैश ऑन इट्स ऑन। ठीक है, ये ऑन वो वाला है, स्वयं वाला, ठीक है, अपने आप। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका, अ कार, कार क्या करती है अपने आप, डज नॉट मूव, मूव बोथ ए एंड बी, यानी ये चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अ कार डैश ऑन इट्स ऑन, अगर जो भी आएगा आंसर वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है अब अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग क्या कर सकती है, लिविंग थिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं, लिविंग थिंग कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ या ऑल ऑफ देम। मूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है, या ये सभी कर सकती है लिविंग थिंग, जो आंसर करेक्ट है वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन आइदर बी, नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, कौन कौन से एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग्स के, जो दो एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट, लिविंग थिंग नीड फूड, एयर, वाटर टू। लिविंग थिंग्स को फूड की, एयर की और वाटर की जरूरत क्यों होती है, किसके लिए होती है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, डैश इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, डैश इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, कौन सा, अब कोई एक नॉन लिविंग थिंग का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, जो कैसी है, नेचुरल हो और नॉन लिविंग थिंग हो। नेक्स्ट, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, अब कोई मैन मेड नॉन लिविंग थिंग का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, पर क्या हो, नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे ट्रू लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। ओके, फर्स्ट, अ कार नीड फूड टू लिव, अ कार नीड फूड टू लिव, एक कार को जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, अगर पड़ती है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट, कार रोड एंड बुक आर नॉन लिविंग थिंग, कार रोड एंड बुक आर नॉन लिविंग थिंग, कार्स रोड एंड बुक ये सब नॉन लिविंग थिंग है, तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत होती है, फूड की, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है, अगर होती है तो ट्रू, अगर स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट, अ लिविंग थिंग डज नॉट फील, जो लिविंग थिंग है उसको फील नहीं होता, यानी महसूस नहीं कर सकती, अगर लिविंग थिंग्स महसूस नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग डज नॉट फील, अगर नहीं करती है तो ट्रू, अगर करती है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट जो थी चैप्टर नंबर 2 लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग की, मैंने समझा दी है आपको, अब इनके आंसर्स आपको एक नोटबुक में लिखने। ओके, अब नेक्स्ट है अपना वर्कशीट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 3 प्लांट्स अराउंड अस। हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स अराउंड अस हमने स्टडी कर लिया था, इसमें हमने बहुत सारे टाइप के अलग अलग बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स,
क्रीपर्स जो स्मॉल प्लांट्स थे उनके एग्जांपल्स, क्रीपर, शर्ब्स, हर्ब, ये सब हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। फ्लावर, रूट, सीड, लीव्स, स्टेम, ये सब क्या है, फ्लावर के पार्ट्स थे। ओके, तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब देखते हैं इसकी वर्कशीट जो कि कहाँ से पुटअप किए गए हैं, वर्कशीट के अंदर से क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर से। ओके, तो देखिए अपना चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस की वर्कशीट। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन है जो करेक्ट है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी जो साइंस की नोटबुक है उसमें रिविजन क्लासेस डाल के जिनका वर्क हो चुका है, जो बच्चे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे, जिनके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो रिविजन वर्क डाल के अपनी नोटबुक में वर्कशीट सॉल्व करना चालू कर देंगे। ओके, आपको कोई नई से नोटबुक नहीं बनानी है, जो आपकी साइंस की नोटबुक थी उसमें ही आप ये सब वर्कशीट सॉल्व करके लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, जो लंबे, बिग यानी बड़े और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इन प्लांट्स को क्या कहा गया है, ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी शर्ब्स एंड ऑप्शन डी क्लाइंबर, इनमें से जो करेक्ट है वो आपको लिखना है। ओके, क्या है ऑप्शंस अपने, ट्री, हर्ब्स, शर्ब्स एंड क्लाइंबर। ओके, तो चार ऑप्शन है जो करेक्ट है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, टॉल बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, ग्रास, मिंट, वीट आर एग्जांपल ऑफ, ग्रास, मिंट, वीट आर एग्जांपल ऑफ, ये तीनों किसके एग्जांपल्स है, ट्री के, शर्ब्स के, हर्ब्स के या क्रीपर्स के, इनमें से जो करेक्ट है वो आपको लिखना है। क्या ऑप्शन है अपने पास, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स या क्रीपर। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ सीड इन टू अ बेबी प्लांट, किसका चेंज होना, सीड का, द चेंज ऑफ सीड, सीड का चेंज होना किसमें, बेबी प्लांट में, बेबी प्लांट में जो सीड चेंज होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जर्मिनेशन या ऑल ऑफ देम, ग्रोइंग यानी बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन, जर्मिनेशन या ऑल ऑफ देम, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट, फूड, डैश प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, डैश प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, प्लांट्स के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है, फ्लावर, लीफ, स्टेम या रूट, कौन करता है, फ्लावर, लीफ, स्टेम या रूट, जो करेक्ट आंसर है वो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, डैश कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, डैश कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कौन कैरी करता है, ठीक है। सॉइल के अंदर कौन सा पार्ट रहता है प्लांट का, जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कैरी करता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकंड, फ्लावर चेंज इनटू, अब जब फ्लावर किसमें चेंज हो जाता है, जो प्लांट का पार्ट है फ्लावर, वो किसमें चेंज हो जाता है, वो जो जिसमें चेंज होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। डैश गिव सपोर्ट टू द प्लांट, डैश गिव सपोर्ट टू द प्लांट, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सपोर्ट देता है किसको, प्लांट को, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सपोर्ट देता है किसे, प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आप ट्रू लिखेंगे और जो गलत लगता है आपको उसके आगे आपको क्या लिखना है, फॉल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, अगर प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट, क्लाइंबर डू नॉट नीड सपोर्ट टू स्टैंड, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, क्लाइंबर्स डू नॉट नीड सपोर्ट टू स्टैंड, क्लाइंबर्स को स्टैंड होने के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, अगर नहीं होती तो ट्रू, अगर होती है तो फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स अराउंड अस आर बिग एंड स्ट्रांग, जितने भी प्लांट्स हमारे आसपास हैं वो कैसे हैं, बिग एंड स्ट्रांग, अगर सारे प्लांट्स हमारे आसपास हैं वो बिग और स्ट्रांग हैं तो ट्रू, अगर सारे प्लांट्स बिग और स्ट्रांग नहीं होते हैं तो
फॉल्स। नेक्स्ट, नीम ट्री इज अ क्रीपर। नीम ट्री जो है वो क्रीपर है, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है क्रीपर तो फॉल्स। ओके, तो ये हो गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको क्या करना है, इनके जो आंसर्स है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर जो है अपना जो कोर्स में आ रहा है उसको रिवाइज करेंगे, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स का रिविजन करेंगे, फिर देन ऐसी सिमिलर प्रोसेस हम उसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका ये वर्कशीट वर्क कंप्लीट हुआ दोनों चैप्टर्स का। अब इनके आंसर्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।